तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें क्या करना चाहिए कि सिंपली अगर हमें पता है उसके बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो H2 हो जाएगा या Cl2 हो जाएगा। अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए, संयोजकता से उसके बारे में पता करना चाहिए। जिससे हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ देखिए इस जगह आइए आप यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ ये देखिए आप हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 1+, क्लोरीन की है 1-। ठीक है, एक एक संयोजकता होती है दोनों की। ठीक है, अभी ये धनात्मक ऋणात्मक मैं बोल रहा हूँ, तो हाइड्रोजन की 1+ और क्लोरीन की 1-। देखिए आप, तो ये अगर क्लास मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला बनाने के लिए, तो देखिए ये H1 हुआ और ये Cl1 हुआ, मतलब ये HCl बन गया। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये हो गया H और ये हो गया Cl, तो ये HCl बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब यहाँ से आपका देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो H2 प्लस Cl2 और ये HCl बन रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई भी रासायनिक समीकरण होती है तो उसके तीर के निशान के दोनों तरफ जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन HCl में 1 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन भी 2 है और यहाँ Cl भी आपका, ये क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण संतुलित की जा सकती है। तो पहले तो हमें उसको सूत्र रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब यौगिक के रूप में लिखना पड़ेगा, और देन आफ्टर हमको उसको संतुलित करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा है, तो सबसे पहले हमें बेरियम क्लोराइड के बारे में पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में पता होना चाहिए, बेरियम सल्फेट के बारे में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में। तो सब इसका इनके जो सूत्र है वो हम संयोजकता से निकाल सकते हैं। क्लास 9th में हमने बहुत अच्छे से इसको किया था। जैसे देखिए बेरियम क्लोराइड के पास के लिए आते हैं, देखिए बेरियम के लिए संयोजकता कितनी है, ये हो गया 2+ और क्लोरीन की है 1-। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी क्लोरीन की तो अभी लिखी थी ना हमने 1-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया, देखिए तो ये हो गया बेरियम Ba1 और Cl2, तो ये हो गया BaCl2, हो गया कि नहीं BaCl2। देखिए फिर से बेरियम की 2, क्लोरीन की 1, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो Ba1Cl2 मतलब BaCl2 हो गया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम सल्फेट के ले लीजिए, तो एल्यूमिनियम की कितनी है 3, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा Al2 और SO4 3, मतलब SO4 होल थ्राइस। तो देखिए Al2 SO4 होल थ्राइस, देखिए फिर से एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Al2 SO4 होल थ्राइस। देखिए बेरियम सल्फेट में, देखिए बेरियम की कितनी है 2+, अभी यहाँ लिखा था हमने बेरियम क्लोराइड में, तो ये बेरियम की 2 और सल्फेट की अभी लिखा हमने एल्यूमिनियम सल्फेट में 2, तो सल्फेट की 2। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Ba2 SO4 2। ठीक है, तो 2 से 2 का डिवीजन हो रहा है। अगर समान संख्या है तो उनको आप इस तरह से, अगर यहाँ 2 या 2 या 2 या 3 या 3 लिखा हो तो फिर उसको भाग लगाकर 1-1 बना लीजिए, तो ये 1 और 1 हो गया। तो देखिए Ba1 SO4 1, तो हो गया Ba SO4। ठीक है ना, ये आप यूँ भी कह सकते थे Ba2 SO4 2, फिर 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा Ba SO4, तो ये बेरियम सल्फेट हो गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की अभी लिखी हमने 3, क्लोरीन की 1, तो देखिए Al1Cl3, मतलब ये हो गया AlCl3। तो अब सबके बारे में हम लिख पाएंगे फार्मूलाज। तो देखिए बेरियम सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, और बेरियम क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेरियम क्लोराइड के लिए, तो बेरियम क्लोराइड के लिए देखिए Ba, ये देखिए Ba और ये Cl2, ठीक है ना, ये Ba का 2 Cl का 1, क्रॉस कर दीजिए BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट देखिए Al के लिए कितनी थी संयोजकता, 3, सल्फेट के लिए 2, तो देखिए Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। फिर अगला क्या है, बेरियम सल्फेट, ये देखिए बेरियम की कितनी 2, सल्फेट की भी 2, तो ये हो गया 2 से 2 का डिवीजन, 1-1 हो गया है, तो Ba1SO4 1, तो ये हो गया Ba SO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Al1Cl3, तो ये हो गया AlCl3। अब बैलेंस करना है, अब बैलेंस करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप यहाँ से अगर देख लेते हैं कि मेरे पास क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन कितना है 3 है, तब भी आप बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप यहाँ देख लेंगे मेरे पास एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 ही है, तब भी आप बैलेंस कर पाएंगे। मतलब हीट एंड ट्रायल में आप कहीं भी जो इनबैलेंस देखते हैं तो वहाँ से आप उसको शुरू कर सकते हैं बैलेंस में। जैसे Cl2 और Cl3, तो यहाँ अगर मैं 3 का गुणा कर देता हूँ तो ये Cl6 हो जाएगा, और यहाँ अगर मैं 2 का गुणा कर देता हूँ आगे की तरफ, है ना, तो ये Cl6 हो जाएगा।
अब इस फार्मूला को हमें नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ इसमें आगे की ओर जो है अपने अंक लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए यहाँ पर देखिए Cl2 और यहाँ Cl3, यहाँ मैं 3 का गुणा करूँगा तो Cl6 क्लोरीन 6 होगा, और यहाँ भी 3 का गुणा 2 का गुणा करूँगा तो Cl6 होगा। मतलब तीर के निशान की तरफ दोनों तत्व जो दोनों तरफ जो जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए मैं 3 का गुणा कर देता हूँ तो ये थ्राइस BaCl2 और ये Al2SO4 होल थ्राइस को मैंने कुछ नहीं किया, BaSO4 को भी कुछ नहीं किया, ट्वाइस AlCl3 ताकि मैं क्लोरीन को बराबर बराबर कर सकूं, तो मैंने कर दिया। अब क्लोरीन के बराबर करने से एक काम और हुआ, मेरा एल्यूमिनियम भी बराबर हो गया। देखिए Al यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी Al2 हो गया, तो मेरा ये वाला काम भी हो गया। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बैलेंस? कि यहाँ बेरियम 3 हो गया है और यहाँ बेरियम मेरे पास कितना है, 1 है। तो मैं अब इस बेरियम को भी बैलेंस कर लेता हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ 3 का गुणा करता हूँ। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए तो थ्राइस BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, थ्राइस BaSO4 प्लस ट्वाइस AlCl3। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि मेरे पास बेरियम भी 3 हो गया, यहाँ बेरियम 3 हो गया। अब ये SO4 में देखना जरा, यहाँ SO4 में तो यहाँ सल्फर, SO4 में देखिए सल्फर 3 हो गया है और ऑक्सीजन जो है वो 12 हो गया, 4 3 12। यहाँ भी देखिए सल्फर 3 है और ऑक्सीजन 12 अपने आप हो गया। तो फिर ऐसे में जो है ये दोनों, ये देखिए ये तो पहले से ही था और ये अपने आप हो गया, तो मेरी इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड से इस तरीके से फिर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब ये जैसे कुछ बहुत सरल एग्जांपल भी है, जैसे हम जानते हैं कि सोडियम को जो है Na हम बोलते हैं, जल को H2O बोलते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं। तो ये इसके लिए आप इतनी संयुक्तता से आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सिंपली आप फटाफट आउट बोल पाएंगे। तो Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। अब यहाँ भी बैलेंस करने की अगर जरूरत पड़े तो आप देखिए ध्यान से कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ 2 है, तो ये 3 बन गए। तो यहाँ अगर 2 का गुणा कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2 का गुणा करके देख लेते हैं इस जगह कितना क्या हो जाता है, देखते हैं। तो हो गया Na+2H2O। अभी देखिए यहाँ एक्चुअली दोनों एक साथ भी कर सकते थे, जैसे यहाँ आपने 2 का गुणा किया है ना, तो ये आप हाइड्रोजन को बैलेंस करके देख लीजिए तब काम बन जाएगा आपका। यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं ना आप, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2 3 हो रहे हैं। तो अगर यहाँ 2 का गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 हो जाएंगे। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लीजिएगा तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए। तो ये 2 का यहाँ क्यों किया, हाइड्रोजन को एक्चुअली बैलेंस करने जा रहे हैं। तो आप हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 2 3 हो गए, तो यहाँ अगर 2 का गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन आपकी 4 बन जाएगी। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए, ये भी 4 हो जाएगी। लेकिन क्या अभी ये बैलेंस हो गई है, नहीं हुई, क्योंकि यहाँ सोडियम कितना है, 2 है, और यहाँ सोडियम कितना है, 1 है। तो आप सोडियम अब यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, फिर देखते हैं हुई कि नहीं। तो देखिए ट्वाइस Na+2H2O, ट्वाइस NaOH+H2। एक्चुअली ये इसी तरीके से सोचते हैं हीट एंड ट्रायल में। तो अब देखिए यहाँ आपके पास क्या हो गया, देखिए सोडियम 2, ये सोडियम 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2 है। मतलब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित करना हमें आना चाहिए, तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास रासायनिक समीकरण है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। तो तीर के निशान के दोनों तरफ जो तत्व हैं, जैसे यहाँ सोडियम है, हाइड्रोजन है, तो तीर के निशान के दोनों तरफ के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। मतलब इधर जितने परमाणु किसी तत्व के हैं उतने ही परमाणु इधर होना चाहिए। यौगिक के स्ट्रक्चर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, जो यौगिक का फॉर्मेशन है उसमें हम कहीं भी बीच में, जैसे H2SO4 लिखा है तो इसको H3SO4 नहीं करेंगे, या NaOH ट्वाइस नहीं करेंगे। मतलब अपनी ओर से स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल इनके यहाँ आगे की तरफ हमें कुछ अंक लगाना है, 1, 2, 3, 4 आदि। ये होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हम यहाँ अवस्था नहीं लिख रहे हैं, केवल जस्ट संतुलन कर रहे हैं। तो देखिए इस पहले समीकरण को हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है Na2 और यहाँ लिखा है केवल Na। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब हम देखते हैं, यहाँ 2 लगाकर देख लेते हैं। तो 2 लगाकर देखने पर क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो हमने इसको यहाँ 2 लगाकर देखा तो ये हो गया ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो यहां जब हमने 2 लगाया तो अब हमारे पास में क्या हुआ, देखिए हाइड्रोजन यहां 2 हो गए और 2 यहां है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना, और यहां है हमारे पास 2 हाइड्रोजन।
तो हमारा अगला काम ये हुआ कि हमने सोडियम को तो यहाँ Na2A2Na हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन दो है और यहाँ हाइड्रोजन चार बन रहा है, तो हम इसको चार करने के लिए यहाँ दो का गुणा कर देते हैं। तो ये भी देखिए अब अगली स्ट्रक्चर में ये क्या बन के आने वाला है, क्योंकि ये अभी बैलेंस नहीं हुआ है पूरी तरह से, है ना। तो अब हम यहाँ पर दो का गुणा करके देखते हैं, तो देखिए ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। अब हमारे पास Na दो हो गए, ये Na2, हाइड्रोजन इसमें चार हो गए, ये चार हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को देख लीजिए, ये दो यहाँ है और चार यहाँ है, छः, तो ये चार यहाँ और दो यहाँ, ये हो गए छः, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, सल्फर तो ये वैसा का वैसे स्ट्रक्चर इसमें चेंज हुआ ही नहीं है, तो इस तरीके से समीकरण हमारी बैलेंस हो गई। अगली समीकरण को अगर हम देखें तो NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, ये जस्ट एक आप देख रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है, केवल आयनों का आदान प्रदान है। तो ये हमारी ये बैलेंस इक्वेशन हमारी हो ही चुकी है, अब ये आयनों का आदान प्रदान है, तो इसमें तो जस्ट सिंपली कुछ नहीं करना है, Na ने Ag की जगह ले ली और Ag ने Na की जगह ले ली, और ये बैलेंस इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर जितना Na है उतना ही यहाँ पर है, जितना Ag है उतना ही यहाँ है, जितने Cl है उतना ही है, जितने NO3 है उतना ही है, मतलब ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है। अब अगली इक्वेशन हमारी बन रही है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ Ba, यहाँ भी Ba, अब यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl है, तो डेफिनेटली यहाँ हम दो का गुणा कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे, क्योंकि ये तो हिट एंड ट्रायल है, ये हमें देखना है क्या होता है इसमें। तो देखिए अगर हम यहाँ दो का गुणा करते हैं तो देखिए हो जाता है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है, दो का गुणा कर लिया ताकि हमारे क्लोरीन दो हो जाए। अब जब हमारे क्लोरीन दो हो गए तो यहाँ हमारे पास दो हाइड्रोजन भी आया है, तो क्या हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, बिल्कुल है, SO4 ये बना हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, Ba को हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हुई, ये बैलेंस हो गई, ये हमारी समीकरण क्या हुई, संतुलित हो गई। अब हम इस समीकरण को देखते हैं, थोड़ा आप टिपिकल लग रहा है पर डरिएगा मत, देखिए यहाँ पर HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखें तो एक हाइड्रोजन ये हो रहा है और दो ये यहाँ है, तो हाइड्रोजन हो गए दो और एक तीन, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन है, दो ही है। अब यहाँ ये तीन हो रहे हैं, यहाँ ये दो है, तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ दो का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन हमारे पास दो और दो चार हो जाएंगे, और यहाँ भी दो का गुणा कर दें तो दो और दो चार हो जाएंगे, फिर देखते हैं, है ना। देखिए समझ में आ रहा है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन, तो एक और दो तीन है, तो यहाँ दो का गुणा कर देते तो ये चार बन जाएंगे, और यहाँ भी दो का गुणा कर दे तो ये भी चार बन जाएंगे, फिर देखते हैं। तो देखिए अगर हमने ऐसा किया, यहाँ दो का गुणा किया, तो अब देखिए दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन चार हो गए, ये यहाँ चार हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमने चूंकि यहाँ जो जो भी डिस्टर्ब किया उसको एक बार चेक कर लें, NO3 ये देखिए दो है ना, अभी NO3 को मैं पूरा पूरा गिन रहा हूँ, है ना, वैसे मुझे नाइट्रोजन ऑक्सीजन गिनना चाहिए, नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन छः, तो ये नाइट्रोजन दो और ऑक्सीजन छः, ठीक है ना, तो ये बराबर बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गई है, ये पूरी तरीके से क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, क्योंकि ये देखिए जो चेंजेस होने वाले थे वो पूरी पूरी तरह से हमने काउंट कर लिया है ना। देखिए यहाँ पर ये टू लगाने से ऑक्सीजन टू हुआ है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन टू है हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, कैल्शियम में तो कोई चेंज है ही नहीं, है ना, और हाइड्रोजन को देखकर हमने बैलेंस किया है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। सबसे पहले कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हमें शब्द समीकरण के रूप में लिख लेना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए जो मीथेन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है, तो जो अभिकारक है वो है मीथेन और ऑक्सीजन, उन्हें हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उन्हें हम राइट साइड में लिखेंगे। अर्थात हम अपने लेफ्ट साइड में अभिकारकों को लिखेंगे और राइट साइड में उत्पादों को लिखेंगे, और इन्हें लिखने का तरीका यह रहेगा कि इन्हें शब्द रूप में ही लिख लेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, तो मीथेन और ऑक्सीजन को आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ये हमारे अभिकारक हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को हम राइट साइड में लिखेंगे, ये हमारे उत्पाद हो गए, और बीच में इस प्रकार से एक तीर का निशान लगा देंगे। अब हमें इस शब्द समीकरण को, इस समीकरण के संकेतों
और सूत्रों के रूप में इन्हें लिखना है। तो सूत्र रूप में लिखने के लिए हमें मीथेन का सूत्र लिखना होगा। तो मीथेन का सूत्र है CH4 प्लस ऑक्सीजन का सूत्र है O2। फिर ये जो हमारा एरो है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2 और प्लस पानी का सूत्र है H2O। तो हम इन्हें सूत्र रूप में लिख देंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ सूत्रों को बॉक्स में बंद कर दिया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, मतलब हम समीकरण को जब भी संतुलित करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हमें इन बॉक्सेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। मतलब बैलेंस करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फार्मूला चेंज नहीं होंगे, अर्थात सूत्रों में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर एक बार लिख दिया गया है कि मीथेन CH4 ऑक्सीजन O2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी H2O, तो आपको समीकरण बैलेंस करते समय इस स्ट्रक्चर में कोई, इस सूत्र में कोई बदलाव नहीं करना है, अर्थात इन बॉक्सेस के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर कहाँ होगा, अगर कुछ अभिकारक और उत्पाद में या लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ बदलाव होंगे तो वह इनके आगे यहां लिखे जाएंगे। इन बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे, अब ये जो समीकरण है जिसे हम असंतुलित समीकरण कह रहे हैं, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। ये समीकरण में जो उपस्थित अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो जैसे यहां पर आप देखिए, ये तत्वों को हम देख रहे हैं, तो जैसे ये एक तत्व है कार्बन, यहां देखिए तत्व कार्बन, तो इसमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, तो यहां कार्बन में कितने परमाणु हैं, कार्बन के एक हैं LHS में, है ना। ये अभिकारक दो, ये अभिकारक जो लेफ्ट साइड में है और ये उत्पाद जो राइट साइड में है, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कार्बन में कितनी है, एक है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कार्बन में कितनी है, तो यहाँ भी देखिए एक है ना। यहाँ कार्बन केवल यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो यहाँ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है। चलिए अब हम दूसरे तत्व को ले जाए, तो देखिए हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिए अभिकारक में परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की कितनी है, ये देखिए H4 लिखा है, ये चार है, ये चार लिखा हमने, और यहाँ देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए H2 लिखा है। तो यहाँ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या या राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या, जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है, वो दो है। अब ऑक्सीजन पर आइए, इसमें CH और O तीन ही है, तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या दो है और यहाँ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दो और एक तीन है। देखिए यहाँ O2 में दो हो गया और यहाँ O लिखा है, दो और एक तीन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सी जो तत्व है, कार्बन जो तत्व है, उसमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या ये यहाँ देखिए एक है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या भी यहाँ देखिए एक है। जो H है हाइड्रोजन है, उसके अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है वो चार है और यहाँ ये उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दो है। और O में अगर हम देखें ऑक्सीजन में, तो यहाँ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या दो है और यहाँ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या तीन है। अब हम सबसे पहले किसे संतुलित करेंगे, तो देखिए यहाँ ये कन्वीनियंट रहेगा, सुविधाजनक रहेगा कि सबसे पहले हमें जो अधिक परमाणु वाला यौगिक है उसे संतुलित करना चाहिए। तो अधिक परमाणु वाला यौगिक जो है हमारा, वो है यहाँ देखिए इन सब में, तो हम कहेंगे कि अधिक परमाणु वाला यौगिक हमारा है CH4 मीथेन। तो सबसे पहले हमें उसे ये कन्वीनियंट रहेगा कि हम उसे संतुलित करें, चाहे वो किसी भी तरफ लिखा हो, वो चाहे LHS में लिखा हो चाहे RHS में लिखा हो। जैसे यहाँ ये हमने अभी कहा कि ये CH4 या मेथेन जो है ये अधिक परमाणु वाला है, तो इसमें भी फिर इसका जो ये हाइड्रोजन तत्व है हम इसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी परमाणुओं की संख्या अधिक है, तो हम इसमें हाइड्रोजन सिलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु को
की को ही संतुलित करेंगे। तो देखिए, हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखें कि यहाँ देखिए कि ये हाइड्रोजन, तो LHS में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अभी हमने देखी थी कितनी थी, चार थी, और जो कि CH4 के अंदर है। और RHS में या उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो है, जो कि H2O में है। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यहाँ देखिए ये चार है और यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो है। और ये चार किस में है, ये CH4 में है, और दो किस में है, तो ये H2O में। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या चार और यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो है। तो अगर हम इस तरफ दो से मल्टीप्लाई कर दें, दो से गुणा कर दें, तो फिर क्या होगा कि दो से इस तरफ गुणा कर देने पर हमें ये देखिए हमारे लिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कर दें, इस जगह देखिए आप, तो ये 2H2, तो ये H4 हो जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले इसी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। देखिए ये यहाँ हमें कोई फर्क नहीं करना है, CH4+O2 है ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमारी कितनी है, चार है। तो ये CH4, ये देखिए CH4, ये प्लस O2, और हमने ये एरो, और ये देखिए ये हम CO2 को भी वैसा ही लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है। और ये देखिए ये प्लस, और ये आपका हुआ 2 जो है, हमने यहाँ लगाया है 2H2O हो गया। तो 2H2O होने से क्या हुआ है कि यहाँ ये देखिए, ये 2H2O होने के बाद आप देखिए कि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H2O में दो थी, तो अब ये देखिए H2O के आगे 2 लगा देने से ये 2H2O हुआ। और इस तरह से ये हाइड्रोजन कितने हो गए, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है यहाँ भी कितनी हो गई है, चार हो गई। तो हमने यहाँ ये हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित कर लिया, CH4+O2 एरो CO2+2H2O। अब हम फिर से यहाँ देखते हैं कि क्या ये अभी बैलेंस हुई है क्या, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि यह भी हमें लग रहा है कि समीकरण अभी बैलेंस नहीं हुई है, यह असंतुलित समीकरण है। क्यों असंतुलित है कि इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक बार और लिख कर देखते हैं। ये देखिए वही तत्व हम सिलेक्ट करते हैं, कार्बन, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है कार्बन, यहाँ कितनी है, एक है, ठीक है। हाइड्रोजन को अभी हमने बैलेंस किया था, तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन तत्व में जो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है हाइड्रोजन की, वो चार है CH4, और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है, तो देखिए 2H2, तो ये भी कितनी है, चार है। अब यहाँ ऑक्सीजन में देख लीजिए, ऑक्सीजन तत्व जो है उसके उसमें जो अभिकारक में उसके परमाणु की संख्या है वो दो है, और उत्पाद में उसके परमाणु की संख्या देखिए, तो ये CO2 में दो यहाँ है और 2H2O में दो यहाँ है, तो दो और दो कितनी है, चार है। तो यहाँ अभी देखिए कि हमें लग रहा है कि ये ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, यहाँ दो है और यहाँ कितना है, चार है। तो हमें ऑक्सीजन परमाणु को अब संतुलित करना चाहिए, तो हम ऑक्सीजन परमाणु को चलिए संतुलित करेंगे। तो ये देखिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, और यहाँ कितने हैं, दो और दो, चार हैं। तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इस जगह, तो हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं डालना है, अब इसमें भी कोई फ़र्क नहीं डालना है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं डालना है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं डालना है, फ़र्क डालना है अब इसमें। तो यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 2 से होगा, तो चलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2O2 CH4+2O2 एरो CO2+2H2O। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए इस समीकरण को, कि हमने यहाँ क्या बैलेंस कर दिया, हमने यहाँ ये अभिकारक में जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या थी वो हमने बैलेंस कर दी है। और अब हम अगर इसको देखते हैं, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या देखें, तो अभिकारक में परमाणु की संख्या कार्बन की एक है, ये देखिए एक, और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या एक है। हाइड्रोजन के लिए देखें तो यहाँ चार हैं, यहाँ हाइड्रोजन के लिए देखिए 2H2 के हिसाब से यहाँ भी हो गया चार, और ऑक्सीजन के लिए देखें तो यहाँ 2O2, तो ये हुआ चार, और यहाँ देखिए O2, ये CO2 का O2, तो यहाँ दो यहाँ से, और ये 2H2 में ये टू,
ये दो हो यहाँ से, तो ये उत्पाद में भी ये परमाणु की संख्या चार हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कार्बन एक एक, हाइड्रोजन चार चार, ऑक्सीजन चार चार। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण हमारी कौन सी समीकरण हो गई है, एक बैलेंस समीकरण हो गई है, क्योंकि इस समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण एक संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार हम संतुलित समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि इसे हमें भौतिक अवस्था के जो इनके संकेत है वो भी हमें इसमें लिख देना चाहिए। जैसे जो मीथेन है वो गैस है, तो हमें उसमें जी लिख देना चाहिए उसके ब्रैकेट में आगे, और ऑक्सीजन भी यहाँ गैस है तो यहाँ भी हम गैस के लिए जी लिख रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो हमने उसके लिए भी जी लिख दिया, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि H2O आपको लग रहा होगा कि वो तो लिक्विड है और आपने उसमें गैस लिख दिया है। तो कभी कभी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जल जो है वो भाप अवस्था में प्राप्त होता है या भाप अवस्था में यूज भी होता है, तो वहाँ पर भी कभी कभी जी लिखा रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वाटर वेपर या स्टीम के रूप में भी कभी कभी हमें जल या तो मिलता है या जल हम यूज़ करते हैं तो वहाँ कई बार जी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो वहाँ जी लिखना ही होगा क्योंकि वो फिर लिक्विड नहीं है, वो फिर क्या है, वो या तो वाटर वेपर है या स्टीम है। और इस तरह से हीट भी प्रोड्यूस होती है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अर्थात ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसमें हीट भी निकलती है।